में तमाम वो खबरें आपको बताने वाले हैं जिसकी रहेगी आज हलचल, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दें कि एनडीए की आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आवास पर आपको बता दें कि आज ये बैठक होगी। पीएम आवास पर 4 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए की मीटिंग में सरकार बनाने को लेकर ऐलान हो सकता है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ चर्चा भी की, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें इस बैठक के लिए बुलाया था दिल्ली। लिहाजा आज की जो बैठक है एनडीए गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि सरकार बनाने को लेकर ऐलान एनडीए की मीटिंग में हो सकता है। सरकार बनाने का ऐलान होगा, साथ ही बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ इसको लेकर पहले ही चर्चा की है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है और अब मीटिंग के दौरान इस पर ऐलान हो सकता है। तो दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। 292 तक एनडीए का आंकड़ा पहुंचा। एनडीए गठबंधन बहुमत पा चुका है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पाई और ऐसे में विपक्ष की भी लगातार उत्साह की खबरें, राजनीतिक हलचल तेज। लेकिन इन सब के बीच में अहम खबर ये कि पीएम आवास पर 4 बजे जो एनडीए की गठबंधन की बैठक है उसमें क्या कुछ ऐलान होगा, क्या रणनीति होगी, इस पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है। उधर देखिए, जहां एनडीए की बैठक है तो वहीं दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे बैठक होगी। इंडिया गठबंधन ने अपने घटक दलों को बुलाया है, परिणामों की समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। और साफ तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नए सहयोगी से बातचीत करेंगे, आखिरकार वो नए सहयोगी कौन होने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू के साथ यहाँ नीतीश कुमार से भी बातचीत या सहयोग, एक सूत्र के मुताबिक की संपर्क में लगातार कांग्रेस बनी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो चुके हैं। नतीजों से कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। जाहिर है हारने वाले प्रत्याशी दुखी होंगे, जबकि जीत का जश्न मन रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की 10 बड़ी बातें आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो उलटफेर की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कारण, कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उनके खिलाफ हवा को पार्टी नहीं समझ पाई। वोटर मोदी के साथ तो दिखे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा। दूसरा कारण, पीडीए फॉर्मूला। यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स विपक्षी गठबंधन के साथ दिखाई दिए, जिसके चलते यूपी में एसपी अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करने में कामयाब रही। तीसरा कारण, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन दोनों मुद्दों पर मतदाता विपक्ष के साथ दिखाई दिए। चौथा कारण, दल बदल। महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, लेकिन दोनों ने इसे लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए और वोटर्स उनके साथ हो गए। पांचवा कारण, संविधान और आरक्षण का मुद्दा। प्रचार के दौरान विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर बार बार बीजेपी पर आरोप लगाया। इन दोनों मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को वोट मिले। छठा कारण, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। हर सभा में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया। इन दोनों मुद्दों पर बड़ी संख्या में वोट विपक्षी गठबंधन को मिले। सातवां कारण, महिला वोट। महिला वोट। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका खासा असर देखने को मिला। आठवां कारण, गठबंधन मनाने का। चुनाव में विपक्ष ने इंडिया गठबंधन मनाया। अलग अलग राज्यों में विपक्ष ने
एक दूसरे का वोट ट्रांसफर किया। नौवां कारण, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कई जगहों पर प्रत्याशी बदले, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ। दसवां कारण, साइलेंट वोटर्स। ऐसे वोटर्स जो किसी दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और प्रत्याशी और पार्टी की नीति के आधार पर वोट करते हैं, इन वोटर्स को पहचानने में बीजेपी से चूक हुई और इसका नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट न्यूज 18। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग बुलाई गई है। मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश संभव इसमें है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे बैठक होगी। मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश इसमें संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग है। मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश इसमें हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता यहां पर प्रधानमंत्री खुद करेंगे। और 11 बजे आपको बता दें कि इस बैठक की शुरुआत होगी। लोकसभा जो कि मौजूदा लोकसभा है उसको भंग करने की सिफारिश इसमें की जा सकती है। देखिए, नियम यही कहता है कि मौजूदा लोकसभा को भंग करने के बाद उसके बाद नई यहां पर गठन होता है, और इसी को लेकर पहले यहां पर भंग को लेकर सिफारिश की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लिहाजा आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है वो काफी अहम है। 11 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो आज भी लगातार राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। अपने दर्शकों को बता दें कि 11 बजे का वक्त काफी अहम होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग आज बुलाई गई है। मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश इसमें की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होगी जिसमें मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। तो लोकसभा चुनाव में इस बार सभी ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। अब प्रत्याशी चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए सुखद खबर रही। राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर जीत कांग्रेस ने हासिल की। पिछले दो लोकसभा चुनाव में जीरो पर सिमटने वाली कांग्रेस का सूखा इन चुनाव में खत्म हो गया। राजस्थान में खत्म हुआ कांग्रेस का सूखा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान। इस बार हम चुनाव में इस बार रगड़ा निकाल रहे थे और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। सत्ता में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और ऐसा ही इन चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात करती रही, लेकिन जनता के फैसले के सामने सब दावे वादे फेल हो गए। प्रदेश में 25 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने फतह किया, जिनमें से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि एक एक सीट सीपीएम और आरएलपी को मिली, जबकि एक सीट बीएपी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया, न्याय पत्र, और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार से कैंपेनिंग, प्रियंका जी का जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कैंपेनिंग किया, देश के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बात दौसा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने जीत दर्ज की। मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को मात दी। देखो, सबसे पहले तो हमारी पूरी जनता का, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राज्यपाल जी के टाइम पे, सचिन पाल जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापिस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी।
कांग्रेस के खाते में करौली धौलपुर की सीट भी गई, जिस पर कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने जीत हासिल की। यहां बीजेपी की इंदु देवी को हार मिली। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो चलाई हुई योजना थी सरकार की, उनको बंद किया, और जो किसान मजदूर की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी, जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। श्री गंगानगर झुंझुनू सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा तो झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओला ने जीत का स्वाद चखा। जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा करी गई थी तब ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देश की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू के आम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, और झुंझुनू की जनता ने जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारे इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और चुरू में भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला। टोंक सवाई माधोपुर से जहां कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा को जीत मिली, तो वहीं बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल के खाते में जीत गई। वहीं चुरू में कांग्रेस के राहुल कस्मा जीत गए। भरतपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की। ये जीत जो हुई है किसको श्रेय देंगे आप? ये जीत किसको? जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, जनार्दन की जीत है। सीकर में जहां सीपीएम के अमरा राम ने जीत दर्ज की, वहीं नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत का झंडा फहराया। वहीं बांसवाड़ा में बीएपी के राजकुमार रौत जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इस जीत के लिए अमरा राम नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता और इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने दिल से सहयोग किया, और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को इस लोकसभा चुनाव में आपने एज ए उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया, उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए जहां उम्मीद की किरण है, तो वहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को 11 सीटों पर जोरदार झटका दिया है। बाड़मेर, चुरू, नागौर में बीजेपी कांटे की टक्कर की बात करती नहीं थकती थी, लेकिन कई सीटों पर चुनाव परिणाम देखकर बीजेपी हैरान है। एक खास रिपोर्ट देखिए। हैट्रिक की आस तोड़ गई दम, जीत के दांव का निकला दम, विजय रथ गया रुख, कहां हुई चूक। जीत की हैट्रिक लगातार, अब की बार 400 पार का नारा लगवाने वाले दिग्गजों ने चुप्पी साध ली है। कई सूरमा जो जीत गए वो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताते नहीं थक रहे। अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया और जीत के बाद इलाके की जनता का आभार जताया। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो जनता जनार्दन का था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समर्थन देने का था, और राजस्थान में तो निश्चित रूप से ये काफी चला भी है, और इस बात को लेकर आगे बढ़े और इस भाव को लेकर तो मेवाड़ ने पूरा समर्थन दिया है। चुनावी समर में जीत हासिल करने वाले सूरमाओं में जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जालौर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, जयपुर सीट से मंजू शर्मा, पाली से पीपी चौधरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। पिछले दो लोकसभा चुनाव में रेगिस्तान में हर जगह कमल खिलाने वाली बीजेपी को इस बार ऐसा झटका लगा कि बस पूछिए मत। मोटे तौर पर 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी,
लेकिन 25 में से 14 सीटों पर ही कमल खिल सका। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी और जो सीट का राजस्थान का बना है निश्चित रूप से बैठेंगे, कहां कमी रही उसको सुधारेंगे। जब कांग्रेस ने झूठ नहीं महाझूठ इस देश की जनता को परोसा, लेकिन देश की जनता का आभार कि उन्होंने इन तमाम झूठे वादों के बावजूद, गुमराह करने के बावजूद एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोदी सरकार के मंत्री तक हार गए। जी हां, बाड़मेर सीट पर बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। यहां मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह चौधरी का पिछड़ना बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। इसी तरह एक सीट पर बागी भी भारी पड़ गया। चूरू सीट पर मौजूदा सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटना भी बीजेपी के लिए गलत फैसला साबित हुआ। राहुल ने पार्टी छोड़ने से पहले एक बड़ी रैली की थी जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी थी। भीड़ ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन अफसोस बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे देख नहीं पाया। राहुल का पाला बदलना भी बीजेपी के लिए खासा नुकसानदायक साबित हुआ। राहुल कस्वां ने बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफे के संकेत दिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी ने एक्स पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मतलब साफ है, लेकिन सीपी को भरोसा है कि पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब होगी। किरोड़ी लाल जी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? बात करेंगे, वो इनका व्यक्तिगत विचार है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। राजनीति के जानकार ये अंदेशा जता रहे हैं कि प्रदेश में हुई हार से पहली बार विधायक बनकर सीएम के कुर्सी तक पहुंचे भजनलाल शर्मा के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूबे में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब भजनलाल शर्मा पर सवाल उठने तय हैं। पार्टी में उनका विरोधी खेमा मजबूत हो सकता है। प्रदेश में खेमेबाजी बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या रही है और एक बार फिर इसमें तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और देखिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को करीब 69,000 वोटों से शिकस्त दी है। अधीर रंजन चौधरी कई बार के यहां से सांसद रहे और इसीलिए यूसुफ पठान की जीत काफी अहम है और बड़ी भी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है यहाँ पर बहरामपुर के लोगों ने, तो उसको भी मैं अच्छे से निभाऊंगा, उसके लिए भी तैयार हूँ। नेक्स्ट मंथ आप मेरे को खेलते हुआ भी देखेंगे तो, और यहाँ के लोगों के लिए काम करते हुआ भी देखेंगे। तो ये अभी मेरे पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा और मैं हमेशा यहाँ के लोगों का और यहाँ के लीडर का हमेशा साथ चाहूंगा, ताकि उनके डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करें। जोधपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उचियारना को 1,15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। उन्हें 7,30,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, जबकि करण सिंह को 6,14,379 वोट मिले। उन्होंने कहा कि मैं जीत को लेकर आश्वस्त था, मैं चुनाव से पहले ही कहता आ रहा था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ता और जनता का आभार भी जताया। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मैदान में उतरे थे, कैंडिडेटशिप डिक्लेयर होने से पहले, बहुत पहले से ही जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के ठीक बाद हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की थी, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्य और हम सब ने सामूहिक रूप से एक होकर के जिस तरह से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, हम सब लोग विश्वास से लबरेज थे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और हम बड़े बहुमत के, बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 खबरें। लोकसभा चुनाव